संयम और संविधान, इन तीनों के माध्यम से लड़ी हुई लड़ाई आज बदलते अयोध्या का आधार है। जिस जगह पर हमेशा विवादों की गूंज सुनाई देती थी, आज उस अयोध्या का भाग्योदय हो रहा है। विकास पथ पर अयोध्या आगे बढ़ रहा है और इसीलिए हमारे सेशन का नाम भी है, कैसे बदल रही है अयोध्या। और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महंत राजू दास जी का, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत सत्येंद्र दास जी का, मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल राजू दास जी आपसे यही, हनुमानगढ़ी से ऊंचा कोई मंदिर नहीं है अयोध्या में और इसके लिए मान्यता यह है कि वहीं से हनुमान जी पूरी अयोध्या पर नजर रखते हैं, लेकिन आपकी इच्छा थी श्री राम का बनने वाला मंदिर उससे भी ऊंचा हो और आज 500 साल बाद संत समाज द्वारा देखा गया वो सपना मूर्त रूप ले चुका है, क्या भावनाएं हैं? पहले तो आस्था जी, आपकी आपके पूरे टीम के लिए मंगल कामना। आपने सही कहा, श्री हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान हैं। कहा जाता राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिन पैसा रे। स्वामी प्रसाद मौर्या वाला पैसा नहीं कि वो भी वक्त वक्त पर लोग अपने आप को बदल देते हैं। जिस प्रकार से लंबी लड़ाई के बाद पूज्य महाराज जी बैठे हैं, राम जी के इतने नजदीक से देखा, इतने भाव से सेवा किया, इस उम्र तक आज तक करते चले आ रहे हैं। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद एक दो दिन नहीं हुआ, यहां तो व्यक्ति 3 दिन में अपने विचार बदल देते हैं, 5 दिन में अपना मताधिकार परिवर्तन कर देता है, 5 साल में सरकार बदल देती है, लेकिन 500 वर्ष हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, बलिदान दिया, उसका प्रणाम स्वरूप एक राम जन्मभूमि मंदिर कोई मुझको फ्री में नहीं मिला। मैं देखता हूं तमाम राजनेता नेता विपक्षी बोलते अरे इसमें कोर्ट का आदेश, इसमें फलाने का क्या योगदान। भारत की कनकन में व्याप्त पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की आस्था, विश्वास, समर्पण, त्याग जी, हर जन के मन में भाव, तो हर व्यक्ति का कुछ न कुछ इसमें योगदान है। और हनुमान जी तो राम रसिया हैं और हनुमान जी महाराज सदैव भगवान राम के चरणों में बैठे रहते हैं और हनुमानगढ़ी में राजा के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि बिना हनुमान जी के अनुमत के राम जी तक पहुंचना संभव नहीं है। बिल्कुल राजू दास जी, और आपने एक संकल्प भी लिया था, वो संकल्प मैं आपको याद दिलाऊंगी, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र दास जी की भावनाओं का भी जानना बहुत जरूरी है। सत्येंद्र दास जी, 31 साल से आप रामलला की सेवा कर रहे हैं, आपने उन्हें टेंट में भी देखा, आप उन्हें अस्थायी मंदिर में भी देख रहे हैं और अब स्थायी मंदिर भी बनकर के तैयार है, क्या भावनाएं हैं आपकी? देखिए, भगवान श्री राम रमन्ते जोगिनो जस्मिन् नित्यानन्दे चिदात्मनि इति राम परेनासु परब्रह्मा विधीयते। पर ब्रह्म परमात्मा ही मानव के रूप में इस अयोध्या में प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद जो उनके मर्यादा रही वो अपने मर्यादा के साथ चलते रहे। इसलिए गो स्वयं कहा कि गो ध्वज धीन देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। भगवान राम परब्रह्म परमात्मा हैं और यह भी है तीनों लोक के मालिक हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आज जो रामलला अस्थाई मंदिर में विराजमान है जी, पहले उस विवादित ढांचा में रहे, फिर उसके बाद त्रिपाल में 28 वर्ष तक उनकी पूजा हुई और बड़ी समस्या रही उस समय, क्योंकि उस समय जो रिसीवर रहे वो रिसीवर कोई भी मांग किया जाए तो कहें कोर्ट से होगा, इसलिए कोर्ट बीच में। बिल्कुल सत्येंद्र जी, बहुत सारी मुश्किलें थी और हमें तो ये भी पता लगा कि जिस वक्त टेंट में थे रामलला, साल में बस एक ही बार भुगतान आप लोगों को मिलता था जिसमें आपको पूजा की सामग्री, प्रसाद, पोशाक, ये सब कुछ मैनेज करना होता था, कितना मुश्किल दौर था वो। देखिए उस समय हम अध्यापक रहे, हमें सरकार से पैसा मिलता रहा, इसलिए वहाँ किसी प्रकार की कोई पूजा अर्चना भोग राग में कोई कमी नहीं हुई। यद्यपि रिसीवर के माध्यम से सदा कटौती किया जाता था, जब भी कोई मांग करते थे कि भगवान के लिए ये चाहिए और उनके बस में ये साल में एक ही बार बस बनाने के लिए पैसे मिलते थे और वही पूरे वर्ष तक भगवान राम को मजबूरन हमको पहराना पड़ता था और इस प्रकार की समस्या रही और बहुत दयनीय समस्या रही। प्रकृति का प्रकोप, चाहे वर्षा हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हर प्रकार का प्रभाव वहाँ पड़ता था,
लेकिन विवश होकर के उसे सहना पड़ता था, कोई साधन नहीं, क्योंकि रिसीवर जिसके जो जिम्मेदारी रहे उनको भी सरकार की पैसा नहीं देना पड़ता था, जो भक्तगण दान पात्र में देते थे उसी पैसे को देना था उसके खर्च के लिए, वो पूरा दे सकते थे। और अब कहा जा रहा है कि ये सारी बातें जो हैं वो इतिहास बन गई हैं, क्योंकि आज वर्तमान में ही एक नया इतिहास लिखने की तैयारी अयोध्या कर रही है। राजू दास जी, आपने एक संकल्प लिया था कि अयोध्या, काशी और मथुरा में जब तक मंदिर नहीं बन जाता आप जूते नहीं पहनेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपने ये बहुत वर्ष पहले हमारी आपकी चर्चा हुई थी, आज नहीं, इसीलिए मैंने सोचा उपयुक्त जब आपको नहीं, जब डे टू डे सुनवाई के लिए हम लोग मांग कर रहे थे अयोध्या के, सभी सदी सभी संत महात्मा रोज, कोई बुलाता नहीं था, फिर भी हम लोग कृपात्री जी बैठे सामने रोज डटे रहते थे, कुछ नहीं, आप भी नहीं बुलाती थी, फिर भी हम लोग डटे रहते थे कि नहीं डे टू डे सुनवाई हो, जब डे टू डे सुनवाई होगा तो मुझको न्याय मिलेगा। हम लोगों ने तभी संकल्प लिया था कि नहीं, जब तक अयोध्या मथुरा काशी भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य नहीं हो जाएगा तब तक चप्पल जूते नहीं पहनेगा। आप देखिए बड़े गर्व की बात है, मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के सचिव प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का, अयोध्या में निर्विवादित रूप से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर संपन्न हो चुका है। अब तो तत्काल में देखिए दो तीन दिन से और भी नया मामला आ गया कि इलाहाबाद खंडपीठ ने आदेश दिया पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने, जब वो सुप्रीम कोर्ट भगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए, ये मंदिर मस्जिद का भी बात नहीं है, मंदिर भी कहीं और बना लेंगे, मस्जिद भी कहीं और बनाया जा सकता है, लेकिन किसी की जन्मभूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये लड़ाई जन्मभूमि की है। अभी महाराज जी से आपने एक चर्चा किया कि आप समझ सकते हो महाराज जी वहां पूजा कर रहे, हमारे सनातन में व्यवस्था है, हम वैष्णव हैं, जब तक भोग में तुलसी दल नहीं डालते तब तक भगवान को भोग माना नहीं जाता। महाराज जी प्रत्यक्ष उदाहरण है, तुलसी वहां मौजूद नहीं होता था, महाराज जी लकड़ी उसको रखते थे तुलसी जी का, और उसको धुलकर फिर भोग लगाते थे, फिर रख देते थे। आपने कहा कि वस्त्र, बड़े दुर्भाग्य की बात है डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अयोध्या में जहां साधु संत ही है बाकी कोई नहीं है, मंदिर की स्थिति क्या थी आपको पता है? जैसे महाराज जी ने कहा साल में एक बार ठाकुर जी को वस्त्र मिलता था, टेंट फटे हुए थे, 9 वर्ष सुप्रीम कोर्ट में लग गया मुकदमा लड़कर इंतजार करते, 9 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाँ टेंट फटा है। महाराज जी ने कहा टेंट फटा है, उससे बरसात में पानी भगवान के ऊपर गिरता है और वस्त्र भगवान कितने सड़ चुके हैं, गल चुके हैं कि हम भगवान की सेवा भी नहीं कर सकते, छुए तो वस्त्र शरीर से उतर जाए, भगवान नंगे हो जाएंगे, इसके नाते इतना भगवान ने पीड़ा झेली है, तो आज गर्व की बात है, आज सनातनियों के लिए, राम भक्तों के लिए, देश के हर व्यक्ति के लिए। क्या पच्च, लेकिन क्या राजू दास जी, आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, कुछ भी लाग लपेट ना करते हुए सीधे बात कर लेते हैं, कांग्रेस इस बात का क्रेडिट लेती है कि उसी ने तो ताला खुलवाया, पूजा तो तब से हो रही है, पूजा पर तो कोई रोक टोक नहीं। कांग्रेस का और भी श्रेय लेना चाहिए था, जब ताला खुलने का आदेश हुआ था वर्तमान के मुख्यमंत्री पंत जी थे, उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि वहां से तत्काल मूर्ति हटाओ। महाराज जी प्रत्यक्ष उदाहरण, इनके पूज्य गुरु जी अबराम दास जी महाराज थे, वहां मौजूद थे। सत्येंद्र दास जी, देखिए कांग्रेस जो इस प्रकार से कहती है वो सब झूठ है, उसने कभी भी भगवान राम के इस मंदिर का निस्तारण हो ऐसा कभी सत्ता में रहते हुए नहीं किया, जरा सी सोचे होते तो जो कार्य आज हुआ कभी न हो गया होता, और भगवान को इस प्रकार से 28 वर्ष तक त्रिपाल में और रहना पड़ता है ऐसा नहीं होता, लेकिन सरकार जो अपनी दलील कोई देती है ताला खोलने का किसी प्रकार का वो सब झूठा है। जब इधर की बात आती है तो कहते कोर्ट ने किया, और जब उधर की बात आती है तो कहते ताला हमने कांग्रेस ने खुलवाया, सब झूठी बात है, भगवान के प्रति उनकी आस्था नहीं रही। राजू दास जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी, मैं चाहूंगी कि मैं उनकी बात आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर कभी नहीं बनता। यही तो मैं कहने जा रहा था, इसलिए मैंने उंगली उठाया था। विषय ये है, आप उन कालनेमियों का नाम ले रहे हो, आप उन गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों का नाम ले रहे हो जो साधु संतों को बोको हरम, आईएसआई, तालिबान से जोड़ देते थे, आप उनकी बात कर रहे हो जो ये कहते थे, उनके राजकुमार ये कहते थे कि मंदिर नौजवान लड़की छेड़ने के लिए जाता है, उनकी ये मानसिकता, ये कहते थे कि राम काल्पनिक, ये कहते थे कि वहां बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। अभी तत्काल की एक वीडियो वायरल हो रहा था कमलनाथ जी का, वो कह रहे थे आप कांग्रेस को वोट करिए, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे, धारा 370 और 35 को बहाल करेंगे। उनकी मानसिकता के बारे में आप बात करिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने तो हनुमान मंदिर बनवाया है छिंदवाड़ा में। नहीं, अरे वो शुद्ध रूप से कालनेमी के रूप धारण किए हुए लोग हैं,
जिन्होंने देश को धर्म के आधार पर देश को तोड़ने की बात किया। आज देश में 4 लाख मंदिर है, स्वामी नित्यानंद जी बैठे हैं, अभी हनुमानगढ़ी दर्शन करने गए थे, मैंने उनसे चर्चा किया, महाराज जी ऐसा क्यों नहीं, आप किसी बता दो देश में किसी मदरसा किसी मस्जिद को सरकार ने एक्वायर करके रखा है क्या? नहीं रखा है। 4 लाख मंदिर क्यों एक्वायर करके रखा है? तो इन कांग्रेसियों ने सनातन का बेरा गर्क कर दिया था, सनातन को खत्म करने का प्रयास किया। आज आपके सामने में इतने संत मुनि महात्मा संघ विचार परिवार के लोग बैठे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज सनातन बचा हुआ। योगी जी ने सही कहा कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो भूतो न भविष्यति, संभव ही नहीं था कि राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आता। इसलिए मैं ये नहीं कहता कोर्ट पर उनका दखल है। कोर्ट सीधे तौर पर यह कहता कि मामला अगर हम आदेश देते तो कोर्ट तो यही कह रही थी ना कि अभी विवाद हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। भाई उत्तर प्रदेश की सरकार यही कहती थी, केंद्र की सरकार यही कहती थी कि भाई इसको छुओ मत, इसको छूना मत, अगर आदेश दोगे तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। कहां कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये कालनेमी लोग हैं, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं, इसके नाते जिसने सनातन को कोरोना कहा, डेंगू कहा, मलेरिया कहा, टाइफाइड कहा, उत्तर प्रदेश में एक मंत्री है रामचरितमानस को फाड़ कर जलाने की बात। मेरा सवाल आपसे यही था कि जैसे श्रीराम के लिए कोई कुछ कहता है तो हनुमान जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, ऐसे रामचरितमानस का जिक्र आता है तो राजू दास जी का भी गुस्सा नहीं टेलीविजन पे अलग स्वरूप में। नहीं नहीं नहीं, मैं निवेदन करता हूं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ज्यादा समय नहीं लूंगा आस्था जी। आज तक दुनिया में एक अलग देश में कार्टून बना और तत्काल 3:30 बजे फ्लैश हुआ और शाम को 7:30 बजे 9 की 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। हमारे यहां तो रोज रामचरितमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध, कोरोना डेंगू मलेरिया और शब्द का मैं प्रयोग ही नहीं कर सकता हूं, ऐसे घमंडिया गठबंधन के लोगों ने मतलब कहा और आज देखिए क्या स्थिति हो गई, सब खत्म होने की ओर है। तो इसके नाते गुस्सा, हम लोग हनुमान जी के सेवक हैं और हनुमान जी तो राम जी के परम सेवक, तो स्वाभाविक गुस्सा तो आएगी। आज हम बात अयोध्या की कर रहे हैं, बदलते स्वरूप की कर रहे हैं और राम मंदिर की भी कर रहे हैं। सत्येंद्र दास जी, लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि जो राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है उसमें प्रभु राम की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित होने जा रही है और कहा जा रहा है कि उसकी भाव भंगिमा एक 5 वर्ष के बालक की तरह है, जैसे एक 5 साल का बच्चा मुस्कुराता है वैसी ही कुछ भाव भंगिमाएं हैं, उसके बारे में बताइए। और ये भी बताइए जो मौजूदा रामलला की प्रतिमा है जो अस्थायी मंदिर में जिसकी पूजा हो रही है उसका आगे क्या होगा, क्या उसे भी स्थापित किया जाएगा? देखिए, जो वर्तमान समय में रामलला की दर्शन हो रहा है वो बहुत छोटी प्रतिमा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको दर्शन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में जो नई प्रतिमा बन रही है वो 5 वर्ष के बालक के रूप में प्रतिमा बनेगी और उस प्रतिमा का स्थापित वह भव्य मंदिर में होगा। इसलिए किया जा रहा है कि जिससे सुगमता से जो भी दर्शनार्थी आवें वो दर्शन कर सकें, इसे दर्शन के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो दर्शन जो है वह इसी रूप से होता है कि उनसे एक ऊर्जा निकलती है दर्शन के माध्यम से, जैसे कि जिससे उनको किसी प्रकार का जो भी समस्याएं होती वो समाधान हो जाता, उनको शांति मिलती है, दर्शन करने वाले को जिज्ञासा जो होती है उसकी पूर्ति होती है। इसलिए सुगमता से दर्शन हो जाए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा किए जाए जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे और 22 जनवरी को ये कार्य सम्पन्न होगा। और ये भी रखें कि वह समय भी था 22 और 23 जनवरी को रामलला उसी अपने जो विवादित ढांचा था उसमें प्रकट हुए थे और वह भी समय आ गया कि 23 को 22 को प्रकट हुए और 23 को जो उनके दर्शन होने लगा था, और कि एक दिन पहले 22 को ही दर्शन रामलला का हो जाएगा और जिस दिन बैठेंगे रामलला अपने भव्य मंदिर में उसी दिन रामराज का प्रारंभ हो जाएगा। जिस रामराज बैठे त्रिलोका, रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर निकर का हुसन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई, हुआ समय आएगा जिस दिन रामलला 22 तारीख को अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। सत्येंद्र दास जी, आपने एक बात कही थी, आपने कहा था कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सड़क पर है और जिन्होंने राम की भक्ति की वो सब सत्ता में है। वो प्रत्यक्ष है, सभी लोग जानते हैं, सत्ता उनकी हट गई, राम के विरोधियों का सब सत्ता समाप्त हो गई और जो राम को आश्रय लिया, सब कहते रहे कि राम को राजनीति में लाते हैं,
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी आस्था है उनके भगवान के प्रति, इसलिए मैं उनके संबंध में करता हूं। और आज जो जितना समय दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या में, उतना कोई भी मुख्यमंत्री कभी आया भी नहीं, और आया भी तो दूर से ही चला गया। ऐसी शक्ति वो हमारे प्रधानमंत्री जी को और योगी आदित्यनाथ जी को भगवान रामलला की कृपा से हो रही है, इसलिए वो सत्ता में है और जो रामलला के विरोध करते थे वो बाहर हैं। राजू दास जी, आज हम अयोध्या में हैं और बहुत जल्द प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। राम भक्तों में, श्रद्धालुओं में तमाम उत्साह है। ज्ञानवापी का भी मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का आदेश हुआ है, लेकिन एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, आपके मंच के माध्यम से विपक्षियों से मेरा एक सवाल है। अभी अमन जी चंपत जी से कह रहे थे कि भगवान राम सबके हैं, तो इस देश में मोदी जी को न्योता तो दिया गया, विपक्षियों को क्यों नहीं? मैं सवाल पूछता हूं उन विपक्षियों से कि आज जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण कॉरिडोर संपन्न हुआ, हम सर्वे से लेकर कार्बन डेटिंग तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सफल हुए, वो मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि आपको जाने का अधिकार नहीं है, यह काशी का मामला है। दूसरा, आप चले आइए परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। मैं पूछना चाहता हूं, 70 वर्ष से आज तक देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री वहां दर्शन करने क्यों नहीं किया? आज यशस्वी प्रधानमंत्री दर्शन करने गए और हम लोग बहुत दिनों से उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इलाहाबाद खंडपीठ ने आदेश दिया कि उसकी सर्वे हो, एक थोड़ा सा और वक्त लेंगे, सर्वे हो, उसके बाद ये लोग भाग के चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम सर्वे के लिए नहीं रोक सकते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, स्थिति स्पष्ट है, थोड़ा सा एक सेकंड। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन विपक्षी दलों से, आप अयोध्या आने का तो अपेक्षा करते हो, निमंत्रण की तो अपेक्षा करते हो। हम कहते हैं कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि शाही ईदगाह को हटा के बनाएंगे, आप साथ आ जाओ, हम आपको निमंत्रण देने के लिए तैयार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप हमारे इस मंच पर पधारे और विचार यहां पर रखे। तो 32,000 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या के विकास के लिए चल रही हैं, सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और उसके साथ ही अयोध्या का सौंदर्यीकरण तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक है और इसीलिए देशभर में तमाम राम भक्तों को उत्साह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। यही उत्साह, यही एनर्जी राम मंदिर के सपने को साकार करवा रही है। आप दोनों से अनुरोध है, प्लीज मंच पर बने रहें। और मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर इस वक्त एडिटर न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी को। सर, आप मंच पर आए, हमारे खास मेहमानों को धन्यवाद दें।